जो नई पीढ़ी हमारी नौजवान बालक साथी हैं उनको विकास करने के नाते शिक्षा बहुत बड़ा एक उसका भाग है, जिस अच्छी शिक्षा के बाद अच्छे नागरिक बनेंगे, आगे बढ़ेंगे। गांव के लोगों को तालाब का उपयोग होता है, तो यहाँ दो तालाब हैं उनका भी पता लगा कि उनमें गंदा पानी भरा हुआ है, इनकी निकासी का प्रबंध मैंने अपने विभाग को कह दिया है, ग्राम विकास विभाग हमारा इसको ठीक करता है। उन दोनों तालाबों का जो पानी है ओवरफ्लो है तो उसको रोकेंगे, उसका पानी बाहर से ड्रेन में ले जाएंगे और उस पानी को साफ करने की व्यवस्था जो प्रबंध करना पड़ेगा वो भी हम करेंगे। देवता वाले तालाब और मंदिर वाला तालाब जो खेतों का रास्ता जाता है उसकी रिटर्निंग वाल, क्योंकि कटाई होकर के जमीन चली जाती होगी रास्ता छोटा बचता होगा तो उसकी रिटर्निंग वाल ये भी बना दी जाएगी और जो गंदा पानी है उसकी निकासी का तो मैंने समाधान बता दिया, वो जरूर कराएंगे, इसलिए वो भी डिमांड आपकी पूरी की जाएगी। गांव जारी जाने वाला जो रोड है उसको चौड़ा कराया जाएगा, उसकी मरम्मत भी कराई जाएगी। गांव कुराड़ की जो पीएचसी है इस पीएचसी को अब ये पुरखास के साथ जुड़ी हुई है, इसको पीएचसी यानी ये जो गांव है पीएचसी पुरखास के साथ जुड़ा हुआ है इसको पीएचसी मूर्थल से जोड़ा जाएगा, मूर्थल आपको नजदीक पड़ता है, ये काम भी इसका हम पूरा कराएंगे। मित्रों एक मांग जो हम भी चाहते हैं कि आखिर हमारा जो खिलाड़ी है इस खिलाड़ी के खेल का उपयोग हमको हो, तो आखिर हॉकी का ये बढ़िया खिलाड़ी जिस हॉकी के खिलाड़ी ने हमारी टीम को जितवाया, ब्रॉन्ज की वो टीम मेडल लेकर के आई, 7 मेडल हमारे आए, टीम का मेडल केवल एक रहा है, उसमें 6 मेडल तो जो व्यक्तिगत मेडल हैं वो मिले हैं, और इस टीम में हमारे 2 खिलाड़ी हरियाणा के हैं उसमें एक सुमित कुमार है, तो यहाँ के बच्चों को खेलों में किस प्रकार से यानी हॉकी में खास करके ये अपना योगदान कैसे करेंगे, नए बच्चों को हॉकी कैसे सिखाएंगे, तो इनको हमने कहा है कि एक 6A साइड ये एक हॉकी का मैदान होता है, वो पूरा स्टेडियम तो जो एस्ट्रो टर्फ का स्टेडियम है जो कि यहाँ बहुत नजदीक है पहले से ही राई में बना हुआ है, सेक्टर 4 साई का भी बना हुआ है, एक और भी है, 3 एस्ट्रो टर्फ यहाँ है, इसलिए इतना नजदीक एस्ट्रो टर्फ तो कोई भी मानेगा नहीं, लेकिन उसका एक खेल का अभ्यास खिलाड़ियों के लिए 6A साइड उसका मैदान, इसमें भी लगभग 4 करोड़ रुपए का इसका खर्च आएगा, वो हमने मंजूर किया है ताकि यहाँ के नौजवानों को हॉकी का अभ्यास, और उस अभ्यास में मैं चाहूंगा सुमित कुमार उनका अभ्यास कराए, क्योंकि आखिर ये अब मेडल लेके आया है, तो हालांकि ये 12वीं में भी पढ़ता है, इसकी पढ़ाई आगे होनी है, इसकी पढ़ाई के साथ साथ इसको खुद भी हॉकी का अभ्यास करना है, लेकिन नए खिलाड़ियों को गुरुमंत्र देना वो भी बहुत जो है काम ही इसका होगा, तो इसको स्वीकार करना होगा। साथ ही मैं नरेश कुमार इनके जो कोच हैं उनको भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने सुमित कुमार जैसा खिलाड़ी तैयार किया है, इसलिए हमने जो खेलों में अपनी नीति बनाई है उसमें जितने भी मेडल लेकर के आते हैं उन मेडल में अगर कोई गोल्ड मेडल लेके आता है तो हरियाणा प्रदेश की ओर से 6 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाता है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है, कहीं नहीं है 6 करोड़ रुपए। अगर ब्रॉन्ज भी लेके आता है, कोई टीम लेके आती है, तो ब्रॉन्ज वालों को भी हम 2.5 करोड़ रुपया जो हमारे सुमित को हम देंगे, 2.5 करोड़ रुपए के इनाम का हकदार ये भी है, और शायद पैसा आ गया होगा, क्यों भाई अकाउंट में पैसा आ गया ना, 2.5 करोड़ पक्का, ऐसे ही हाँ ना करना, 2.5 करोड़ रुपया इनके अकाउंट में पहुंच चुका है, और हमने तो इस बार जो टीमें हमारी 4थे नंबर पर रह गई, 3रे तक नहीं आए, वैसे तो पॉलिसी में उनको पहले 15 लाख अलाउड था, लेकिन हमने कहा भाई या तो 3रे को 2.5 करोड़ और 4थे को एकदम 15 लाख, सांप सा काट गया, ये ठीक नहीं है। हमने इस बार जो 4थे नंबर पर हमारी जो महिला की हॉकी की खिलाड़ी आई है, वो 4थे नंबर पर टीम आई है, उसमें 9 हमारी महिला खिलाड़ी हैं, उनको भी 50-50 लाख रुपया दे दिया 15 के बजाय, उसमें हमारी 9 खिलाड़ी। पिछले मित्रों खेलों को प्रोत्साहन देने में चाहे इनाम की राशि हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्टेडियम हो, चाहे जगह जगह सुविधाएं, कोच की बात हो, अब यहां इन्होंने कहा कि हॉकी हमको सीखनी है
तो हॉकी का कोई प्रबंध और भी करना चाहिए। हमने कहा हॉकी की एक नर्सरी आपको और दे देंगे। नर्सरी यानी जो स्कूली विद्यार्थी हैं उनको हॉकी सिखाने का काम, और साथ में हॉकी का कोच भी देंगे। हॉकी के कोच के बिना तो नर्सरी हो नहीं सकती, इसलिए हॉकी का एक कोच भी दे देंगे इस गांव। तो ये गांव हॉकी में और आगे बढ़े। अभी भी इस गांव में इंटरनेशनल प्लेयर 4 हैं, चौथा हमारा सुमित कुमार है, 3 उससे पहले भी हैं। तो झड़ी लगा दो गांव के अंदर कि जो बच्चा मानो पैदा हो उसको पहला शब्द जो सिखाओ ना, माँ बाप सिखाते हैं, बोल बेटा, का बोल, काका बोल, मामा बोल, पापा बोल, उसको सिखा दो बोल हॉकी, हॉकी बोल, हॉकी बोल, हॉकी बोल। अगर हमारी माताएं अपने बच्चों को शुरू में ही संस्कार डाल देंगी तो बड़ा होकर के एक दिन वो अच्छा श्रेष्ठ हॉकी का खिलाड़ी बनेगा। ये मैं आज भविष्यवाणी करता हूं। माताओं बहनों से विशेष अपील है कि अपने बच्चों को, क्योंकि बच्चा मां से सीखता बहुत कुछ, उसको बचपन में ही शौक लगाओ। कुछ नहीं तो हाथ में एक डंडा पकड़ा दो। पहले छोटे होते थे हम गुल्ली डंडा खेलते थे ना। गुल्ली डंडा भी एक हॉकी का ही रूप होता था, उसी से हॉकी निकली, उसमें से क्रिकेट निकली। तो पहले खाली डंडा और बना लेते थे गुल्ली, उसी को मारते थे। तो इसलिए उन खेलों की वृत्ति को बढ़ाने में परिवार में बड़े बुजुर्ग माताएं उनका बहुत एक प्रकार से सहयोग होता है। उस सहयोग को वो लोग जरूर करें। इस गांव की कोई और बहुत डिमांड्स मेरे पास नहीं आई है। मैं आगे के लिए भी कहता हूं कि गांव में किसी प्रकार की कोई भी कमी हो, कोई दिक्कत हो, आप यहां के हमारी विधायक, हमारे यहां के MP, DC किसी को भी पहुंचा देना। और कोई ना मिले तो एक आज हमने ग्राम दर्शन नाम से पोर्टल बना दिया है। कंप्यूटर खोलो, ग्राम दर्शन लिखो, अपने गांव का नाम ढूंढो, उसमें लिखो हमारी ये डिमांड है। आप लिख के भेज दो, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपकी डिमांड अपने आप पूरी हो जाएगी। ये मैं आपको वादा करता हूं। सारे काम ऑटोमेटिक कर दिए। इस गांव में बिजली 24 घंटे आती कि नहीं आती, आती कि नहीं आती, कितने घंटे आती है? 24 घंटे बिजली आती है, क्योंकि हमने जगमग गांव मारा गांव एक स्कीम चलाई थी। और स्कीम के अंदर धीरे धीरे गांव वालों को कहा कि भाई अपने छोटी मोटी कमियां उसको दूर कर लो, कुंडी जो लगाते हो उसको दूर कर लो, बिल टाइम से भरना शुरू कर दो, मीटर बाहर लगवा लो, हम आपको 24 घंटे बिजली देंगे। मुझे खुशी है कि इस गांव को 10 जुलाई 2021 आज से एक महीना पहले जगमग योजना में 24 घंटे बिजली हमने दे दी थी। एक महीने से आई होगी, उससे पहले नहीं आई होगी, और उसके लिए हमने 1,02,00,000 रुपए अलग से खर्च किया था, फीडर पर खर्च कर दिया था। 11 KV इब्राहिमपुर का जो 3 गांव कुराड़, कामी और देवड़ू, इनको बिजली की सप्लाई अब 24 घंटे की जा रही है। और यहाँ का जो लाइन लॉस होता था पहले, जो 50% था बिजली की जो चोरी होती थी, मैं बधाई देता हूँ आपको कि अब सिर्फ 20% रह गई है, सिर्फ 20% रह गई है। तो आप लोग जितना सहयोग और साथ दे रहे हैं, जितना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, आप समझो आप एक कदम आगे बढ़ाओगे, हम 2 कदम आगे बढ़ाएंगे, लगातार आप 4 कदम बढ़ाओगे, हम 8 कदम बढ़ाएंगे, आपसे पीछे नहीं रहेंगे। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो खेती की बात हो, चाहे वो पानी की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे खेल की बात हो। एक बात और मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले कहूंगा कि कुछ इलाकों में कुछ ऐसे लोग जो भोले भाले किसानों को बहका रहे हैं, बहका क्या रहे हैं कि भाई आगे आने वाले टाइम ऐसा आ रहा है तुम्हारी जमीन नहीं बिक जाएंगे। मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी जी की सरकार, हरियाणा में आपकी ये सरकार कभी इस ओर सोच भी नहीं सकती कि किसान का कोई नुकसान हो जाए। ये प्रदेश, ये देश किसानों का है, और किसान के हित में जो अच्छे से अच्छा काम करना होगा हम करेंगे, चाहे उसको बीज है, खाद है, चाहे उसकी दवाई दलवानी है, चाहे उसको ऑर्गेनिक है, चाहे पशुओं की रखरखाव करना है, चाहे उसका कोई खराबा हो गया उसका मुआवजा देना है, चाहे 24 घंटे बिजली देनी है, पानी देना है, या फिर उसकी फसल होती है तो उस फसल का उसकी बिक्री का विषय है। बाकी प्रदेश, सारे देश की 2 फसलें धान और गेहूं, इसकी प्रोक्योरमेंट करते हैं मंडियों में। ये हरियाणा सरकार
11 फसलें वो प्रक्योर करती है हरियाणा के अंदर, 11 फसलें। ना पंजाब करता, ना राजस्थान करता, ना यूपी करता, कोई आसपास का सरकार जो नहीं करती है। हम गेहूं धान के अलावा कपास है, बाजरा है, मक्का है, मूंग है, मूंगफली है, ये सारी फसलें। और सब्जियां, सोनीपत जिला तो सब्जियों का घर है, इन सब्जियों में हमने कहा कि कभी सब्जी ज्यादा हो जाए, डिमांड कम हो जाए तो सस्ती हो जाती है, मंडी में सस्ती हो गई और इतनी सस्ती हो गई कई बार हम सड़कों पर फेंक के आ जाते हैं। हमने कहा सड़कों पर मत फेंको, जिस भाव के बेचाओ, अगर आपको घाटा हो जाएगा तो घाटा सरकार भरेगी, आपको नहीं भरना पड़ेगा। भावांतर भरपाई योजना हम लेके आए। तो इस योजना में हर एक किसान को उसका जो नुकसान होता है उसकी भरपाई करने का हम काम करेंगे, कभी किसान को घाटा नहीं होने देंगे। और उसको आगे कैसे बैंक से पैसे कैसे मिलेंगे, उसको बाकी अब प्रधानमंत्री जी ने 6,000 रुपया हर एक किसान को साल का वो देना शुरू कर दिया, किसान मान सम्मान निधि। और हमने तो किसान के साथ साथ बाकी जो गरीब परिवार हैं उनको भी देना शुरू कर दिया, परिवार पहचान पत्र बनाया। इस परिवार पहचान पत्र में 1,80,000 रुपये से नीचे अगर किसी की आमदन है उसको 6,000 रुपये साल का हम भी देंगे, उनको बीपीएल के कार्ड की सब सुविधाएं देंगे। और जो बहुत कम आमदन के लोग हैं उनके लिए योजना बनाई है मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, उनका भी गांव-गांव में हमने सर्वे कराना शुरू किया है। हमारे पास 50,000 ऐसे परिवार जिनकी आमदन 50,000 रुपये से भी नीचे है, वो अपने घर का गुजारा मुश्किल से कर सकता है, ऐसे परिवारों में हमारे अधिकारी जाएंगे कि इस आय को डबल कैसे करना है, उनको घर में छोटा मोटा काम करने की जो जरूरत हो पूरी करेंगे, किसी को 2 भैंस बांधनी है बंधवा देंगे, किसी को 4 गाय बांधनी है वो बंधवा देंगे, किसी को छोटी कोई दुकान करनी है वो करवा देंगे, किसी को कोई छोटा मोटा उद्योग अपने घर में कोई चीज बढ़ाने का काम करना वो करवा देंगे, कोई छोटी मोटी नौकरी में हम अगर उसकी मदद कर सकते हैं उसको स्किल डेवलपमेंट का उसको यानी कुछ कौशल विकास ये सिखा देंगे ताकि कहीं प्राइवेट नौकरी कर सके। तो ऐसे बहुत प्रबंध कर रहे हैं कि गरीब परिवारों को सबसे पहले उसका अधिकार है। गरीब अगर एक बार खड़ा होकर अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा तो हमारी बहुत समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अमीर जो है वो अपनी गाड़ी अपने आप चला लेता है, मध्यम वर्गीय है जो नौकरी पेशा है वो अपना कुछ ना कुछ घर का काम चला लेता है, लेकिन जिसके घर में कुछ नहीं है, बहुत परिवार ऐसे मिलेंगे, और बहुत तो ऐसे हैं जो आगे मांग भी नहीं सकते हैं, हाथ भी नहीं बढ़ा सकते हैं। सरकारी योजनाएं बहुत आती हैं लेकिन वो वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। हमने तय किया कि सरकार की योजना ये जो परिवार पहचान पत्र की स्कीम बनाई है इसमें वो योजना गरीब से गरीब के घर में हमारा सरकारी अधिकारी लेके जाएगा कि ये आपके लिए फायदा है, आप इसको ले लो। तो सरकार वैसी नहीं है कि आपको द्वार द्वार घर घर जाना पड़ेगा, अब हम सरकारी चक्कर न काटने पड़े इसके लिए सब काम कर रहे हैं। आपकी कोई शिकायत हो, कोई समस्या हो, कोई भी प्रकार की बात हो तो इन सब बातों के लिए एक एक करके हम आगे बढ़ रहे हैं, कहीं कोई कमी रह जाए तो आप हमारे तक पहुंचाने का काम करें, अपने अधिकारी के माध्यम से करें, अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से करें, आप सोशल मीडिया से करें, जैसे भी आप बात हमारे तक भेजेंगे आपकी समस्या का हम हल कराएंगे। तो अंत में मैं खास करके सुमित के परिवार के बारे में जरूर कहूंगा कि एक सामान्य परिवार, गरीब परिवार जिसको कहना चाहिए, इनके पिताजी मजदूरी करते हैं और मजदूरी करते हुए भी अपने बालक को इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लाने तक तैयार किया, इनके पिताजी ने भी बहुत मेहनत की होगी। तो मैं इनको परिवार को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ, इस गांव को भी बहुत बहुत शुभकामना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का।